साथियों, आज आपके लिए एनुअल इरेक्ट हर्ब लाए हैं। इसको हम मकोए और काकमाची के नाम से जाना जाता है। यह सोलेनेसी फैमिली का है। 1 से 2 फीट इसकी ऊंचाई तक ये जाता है और इसके जो फ्रूट्स जो आप देख पा रहे होंगे वो बेरीज हैं। इसी के अंदर जो सीड होता है उससे इसका साधारण रूप से प्रोपेगेशन किया जाता है। वाइट फ्लावर्स हैं, ग्लैबरस लीव्स हैं इसके लीनियर, और बहुत सारे केमिकल कॉन्स्टेंट इसमें पाए जाते हैं। 120 से ज़्यादा एल्कलॉइड इसमें होते हैं। इसके अंदर स्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, सेपोनिन, ग्लाइकोसाइड, लाइकोपीन, लूटीन, सोलासोडीन, सोलानिन, ट्राइगोजेनिन, पोटासियम, आयरन, सल्फर, कैल्शियम और फॉस्फोरस आदि बहुत केमिकल कॉन्स्टेंट इसमें पाए जाते हैं। मिनरल कंटेंट रिच होता है। बुखार के लिए, डायरिया के लिए, पाइल्स और इडिमा की समस्या के लिए, इडिमा की जनरली जो समस्या है वो किडनी के GFR रेट के कम होने के बाद हो जाती है। और भी बहुत सारे कारण होते हैं लेकिन उसका ये निराकरण करती है। डायूरेटिक प्रॉपर्टीज इसकी पाई गई हैं। स्किन की प्रॉब्लम जैसे कि प्रूराइटिस या सोरीसिस की जो समस्या होती है, सिफिलिस की जो समस्या है उसमें भी अच्छा कार्य करता है। बार बार पेशाब आने की जो समस्या होती है पोलियूरिया की, वहाँ भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसका कोमल पत्र, इसकी जो मूल होती है उसका रस, बेरीज जो इसकी हैं वो भी इस्तेमाल की जाती हैं। अगर मैं कहूँ तो पूरा प्लांट ही इसका इस्तेमाल किया जाता है। यूनानी में इसका अर्क बनाया जाता है जिसको अर्क मकोव के नाम से मार्केट में मिलता है। यह सिप्लिनोमिगेली की दवा है। यकृत वृद्धि की जो प्रॉब्लम है उसको यह दूर करता है। लीवर के टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। हिक्कप की समस्या को दूर करता है। जलोदर की समस्या हो उसको भी दूर करता है। ब्रोंकाइटिस की समस्या हो या प्लूरिसी की समस्या हो उसका भी यह निराकरण करता है। स्पर्मोपोइटिक इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। चर्म रोग के लिए हमें इसके कोमल पत्रों का साग बनाकर खाना चाहिए और लेप बनाकर उसको हमें एक्सटर्नल एप्लीकेशन करना चाहिए। बाहर उपयोग में इसको लाना चाहिए, बाहर लेप लगा देना चाहिए। अगर चूहे के दंश का असर कम करना है तो हमें इसके घी में इसके पत्र को डाल के उसको हमें सिद्ध कर लेना चाहिए और उसको अप्लाई करना चाहिए। केस काले करने के लिए इसके बीज और काले तिल के तेल निकालकर नाक में दो दो बूंद डालना चाहिए। गर्भ प्राप्ति के लिए इसकी मूल का रस पीना चाहिए। जीर्ण, यकृत और पीहा वृद्धि के लिए हमें इसका पूरे प्लांट का जो पंचांग होता है उसका डिकॉक्शन शहद मिलाकर पीना चाहिए, विशेष उपयोगी है। यह प्लांट वैसे तो किसी विशेष हमें प्रोपेगेशन की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ बीज के माध्यम से इसका प्रोपेगेशन आसानी से हो जाता है। इसकी जो बेरीज हैं इसके अंदर बीज होता है उससे आसानी से इसका प्रोपेगेशन हम कर पाते हैं। ध्यान ये रखना है कि ये एल्कलॉइड कंटेनिंग प्लांट है। अगर कुछ जी मचलाना या पेट में कुछ क्रैम्प या वॉमिटिंग जैसी स्थिति हो तो हमें इसका सेवन बंद कर देना चाहिए। वैसे यह पूर्ण रूप से सेफ है। ज़्यादा मात्रा में लेने से बचें। एक समय में 10 से 12 ml जूस का सेवन करें। मूल का जूस भी सेवन किया जाता है, कोमल पत्रों का सेवन किया जाता है और इससे अर्क भी बनाया जाता है। बहुत सारे इसके बाज़ार में इसके बने हुए उत्पाद आपको मिल जाएंगे, उनको भी आप ले सकते हैं। फ्रेश का जो हम फ्रेश जूस बनाते हैं उसका विशेष महत्व है। फिर मिलेंगे नए प्लांट के साथ नई समस्याओं के निराकरण के लिए। आप सभी का धन्यवाद। प्रणाम।